योग दिवस पर कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पर योगा करने पर प्रतिबंध लगाया था। साथ ही सभी से निवेदन किया था कि अपने घरों में रहकर योग करें। ऐसे में योग का एक अद्भुत नजारा उज्जैन की 135 वर्ष पुरानी संस्था में देखने को मिला। यहाँ रोजाना प्रैक्टिस पर आ रहे खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रकार के योग करके संदेश दिया। 28 कांच की बोतलों पर लकड़ी के पट्टी रखकर 10 फीट की ऊंचाई पर फायर योग, दीप योग व बॉटल योग किया गया। यहाँ खिलाड़ियों ने संदेश दिया कि कोरोना को भगाना है तो योग करना होगा। वैसे तो इस संस्था में आम दिनों में 300 से अधिक खिलाड़ी रोजाना प्रैक्टिस पर आते थे, परंतु कोरोना काल के कारण यहाँ केवल 5 खिलाड़ी आ रहे हैं और योग कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में श्री अपराजी व्यायामशाला, जो कि शहर की 103 वर्ष पुरानी संस्था है, यहाँ पर 28 कांच की बाटलों पर कुल 10 फीट की ऊंचाई पर एक विशेष रूप से योग किया गया, जिसमें फायर योग, बाटल योग व जो आसन और योग जमीन पर करना कठिन होते हैं उन आसनों को इस स्ट्रक्चर पर किया गया। वैसे तो यह संस्था शहर की 103 वर्ष पुरानी है। यहाँ पर प्रतिदिन करीब कोरोना के पहले 250 से 300 खिलाड़ी प्रतिदिन व्यायाम करते थे, परंतु कोरोना काल के कारण यहाँ अभी 5 से 6 बच्चे प्रतिदिन व्यायाम कर रहे हैं। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोतल के ऊपर दीप योगा करा, जो कि जमीन पर भी बहुत मुश्किल रहते वो आसन, फिर भी हमने उसको बोतल के ऊपर पटिए थे और उसके ऊपर हमने सिर पे ग्लास रख के उसके अंदर मोमबत्ती जली थी और उसके सिर पे रख के हमने योगा करा, जो कि बहुत डिफिकल्ट रहता है। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।